जब से फोर्ड एकोस्पोर्ट और नेक्सॉन के कंप्लीट रिव्यूज मैंने आपके लिए बनाए, तब से बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों वीडियोस पे आ रहे थे और उन सारे क्वेश्चंस को सम अप करने के लिए और आपके सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आप ही के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ये वीडियो आखिर तक देखें और देखने के बाद लाइक या डिसलाइक का अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस रह जाए तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। तो अगर आपने नेक्सॉन और एकोस्पोर्ट के मेरे कंप्लीट रिव्यूज़ के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पहले वो वीडियोस को देख ले और जान ले इन दोनों कार्स को कम्प्लीटली। सो सबसे पहले नज़र डालते हैं इन दोनों कार्स के स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशन जैसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पे। एकोस्पोर्ट में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर ट्विन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैमशाफ्ट टाइमिंग के साथ आने वाला बिल्कुल ही नया पेट्रोल इंजन अवेलेबल है। एंड टू बी प्रिसाइज 1497 सीसी का ये इंजन 103 पीएस का पावर 6500 आरपीएम पे और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4500 आरपीएम पे प्रोड्यूस करता है। इकोस्पोर्ट पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। इकोस्पोर्ट पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 17 किलोमीटर पर लीटर की और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है 14.8 किलोमीटर पर लीटर की। और रियल लाइफ में यह इंजन तकरीबन 14-15 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल में और 12-13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दे देता है। वहीं दूसरी ओर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर ट्रस्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड डीजल मोटर को पुराने मॉडल से अनचेंज्ड रखते हुए 1498 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ 100 पीएस का पावर 3750 आरपीएम पे और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750-3250 आरपीएम पे प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल रखा गया है। इस डीजल इंजन को मेट किया गया है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जिसकी ARAI टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी है 23 किलोमीटर पर लीटर की और प्रैक्टिकली सिटी में 17-18 किलोमीटर और हाईवे पे अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर तक ये इंजन प्रोवाइड कर देता है फ्यूल एफिशिएंसी। एम्बियंट, ट्रेंड, ट्रेंड प्लस, टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस को मिला के टोटल 5 वेरिएंट्स हैं और पेट्रोल में ट्रेंड प्लस और टाइटेनियम प्लस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 3998 mm की है, ओवरऑल विड्थ है 1765 mm की और हाइट है 1647 mm की। व्हील बेस है 2519 mm का जो इस कार को अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्पैक्ट एसयूवी बना देते हैं। पेट्रोल टाइटेनियम प्लस 80 में कब वेट है 1340 केजी का और डीजल टाइटेनियम प्लस का कब वेट है 1304 केजी का। वहीं नेक्सॉन की बात करें तो 1.2 लीटर टर्बोचार्ज रेवट्रॉन पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज रेवटॉर्क डीजल इंजिन्स अवेलेबल है। 1.2 लीटर रेवटॉन पेट्रोल इंजन 1198 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन है जो 110 पीएस का पावर 5000 आरपीएम पे और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750-4000 आरपीएम पे प्रोवाइड कर देता है। डीजल में 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन 110 पीएस का पावर 3750 आरपीएम पे और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1500-2750 आरपीएम पे प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि पेट्रोल इकोस्पोर्ट अपने नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लीड कर सकती है लेकिन डीजल में एक टक्कर की कंपटीशन कही जा सकती है। और एडिशनली नेक्सॉन में इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड होने की वजह से आप अपनी प्रीफर्ड स्टाइल से इंजन से ऑप्टिमम परफॉर्मेंस या तो फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वहीं नेक्सॉन के डायमेंशन की बात करें तो 1394 mm की लेंथ, 1811 mm की विड्थ और 1607 mm की हाइट है।
तो LWH यानी कि लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट के हिसाब से इकोस्पोर्ट के 1398 इंटू 1765 इंटू 1647 के मुकाबले नेक्सोन के 1394 इंटू 1811 इंटू 1607 यहाँ पे इकोस्पोर्ट को डायमेंशंस में भी एक कांटे की टक्कर देते हैं। इन ट्रस्टेड सोर्सेस के हिसाब से 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इकोस्पोर्ट में ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नेक्सोन अपने 209 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बाजी मार जाती है। लेकिन दूसरी ओर इकोस्पोर्ट के 2519 mm के व्हील बेस के सामने नेक्सोन का 2498 mm का व्हील बेस कम ही पड़ेगा। नंबर्स गेम के बाद अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातें, और सबसे पहली बात आती है लुक्स, स्टाइलिंग और डिज़ाइन की। तो यहाँ पे इकोस्पोर्ट अपने पुराने मॉडल से बहुत सारे तरीकों से रिजेंबल करती है। नेक्सोन बिल्कुल ही नए फ्यूचरिस्टिक, मॉडर्न और बहुत सारे इंसर्शन से लोडेड ऐसी डिज़ाइन के साथ आती है जो अब तक ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं सोचा होगा, और इसी वजह से ये एक आई कैचर बन जाती है एटलीस्ट फिलहाल के लिए। और इकोस्पोर्ट को जैसे एक बड़ी एसयूवी को छोटा कर दिया हो ऐसा रियल एसयूवी का लुक मिला है, और इसीलिए ये एक बिलोड डिज़ाइन बन चुकी है। और अपनी बड़ी ग्रिल और 17 इंचेस के टायर्स के साथ एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली पावरफुल एसयूवी दिखाई देती है। मेरे हिसाब से लुक्स के मामले में यहाँ पे नेक्सोन बहुत आराम से इकोस्पोर्ट को लीड कर सकती है, और इस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस के ऊपर, नथिंग एल्स। अब इंटीरियर की बात करते हैं, तो दोनों कार्स अपने सेगमेंट के बेहतरीन फीचर्स और डिटेलिंग्स के साथ आती है। दोनों कार्स में फ्लोटिंग टच स्क्रीन दी गई है, और इकोस्पोर्ट का ऑल ब्लैक इंटीरियर और लेदर सीट का ऑप्शन नेक्सोन के ड्यूअल टोन इंटीरियर से कुछ ज़्यादा ही डिसेंट, सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम फील देता है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम के मामले में नेक्सोन में आने वाली हरमन की 8 स्पीकर सिस्टम इकोस्पोर्ट से कहीं ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। मैं आपसे और एक बार कहूँगा कि अगर आपने मेरे दोनों कार्स के इनडेप्थ रिव्यू नहीं देखे तो आप अभी आई बटन में जाके देख सकते हैं। इंटीरियर के मामले में अपनी बिल्ड क्वालिटी और बेटर इंसर्शंस की वजह से इकोस्पोर्ट नेक्सोन को बीट करती है। हालांकि अगेन ये मामला आ जाएगा चॉइस के ऊपर। ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करें तो पेट्रोल इंजन में इकोस्पोर्ट का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड स्मूथ पेट्रोल इंजन पावरफुल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी टॉर्क की कमी ज़रूर महसूस होगी, और ये एक नेचुरल बात है। दूसरी ओर 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल नेक्सोन को एक लीनियर पावर डिलीवरी और 6th गियर का प्रेजेंट होना यहाँ पे एक एडेड बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एडिशनली इंजन की पावर डिलीवरी और थ्रोटल रिस्पॉन्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अल्टर करने का ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है। लेकिन 1.5 लीटर के डीजल इंजन में अगर मैं कहूँ तो इकोस्पोर्ट के 98 bhp और 205 न्यूटन मीटर के टॉर्क को नेक्सोन का 108 bhp और 260 न्यूटन मीटर वाला इंजन अंडर पावर प्रूव कर देगा। ड्राइविंग मोड्स के प्रेजेंट होते हुए आप इस इंजन पे पूरा निचोड़ निकाल सकते हैं। वहीं सिटी ट्रैफिक में भी नेक्सोन का पंची इंजन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इकोस्पोर्ट पेट्रोल ऑटोमेटिक एफर्ट कर सकते हैं तो कुछ भी सोचे बिना अब भी अपनी इकोस्पोर्ट को बुक करवा लें। अब मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज ना करते हुए डायरेक्टली आता हूँ कंक्लूजन पे, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्स एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर देती है, और दोनों कार्स अपने आप में बेस्ट ही कही जा सकती है। तो फाइनली ड्राइविंग प्लेजर, प्रीमियमनेस, स्पेस, कंफर्ट और बेटर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट के साथ आने वाली एक ऑटोमेटिक पेट्रोल कार, वो भी पेडल शिफ्टर्स के साथ आप चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट। लेकिन अगर आप एक यूनिक, डिफरेंट, स्टाइलिश, मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंट के साथ साथ रफ, रिजिड, ड्यूरेबल, रिलायबल और फीचर पैक्ड एफोर्डेबल एसयूवी चाहते हैं तो बस लुक नथिंग एल्स देन अ नेक्सोन। तो अगर वन वर्ड आंसर में अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको यही कहूँगा कि पेट्रोल में इकोस्पोर्ट और डीजल में नेक्सोन आपके लिए हो सकता है एक बेस्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा ही है और अभी तक आपने ये वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब
सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी इनक्रेडिबल इन्फोज के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।